अगली खबर में बात करते हैं सोनभद्र की, जहां विकास खंड चौपन अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा के बभनमरी प्राथमिक विद्यालय का हैंडपंप कई सालों से बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। लगभग 30 मीटर पर वहीं जूनियर विद्यालय का हैंडपंप लाल पानी के साथ बच्चों को बीमारी की दावत दे रहा है। बभनमरी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे अब तो भूल भी गए हैं कि अंतिम बार पानी इस हैंडपंप में कब पिया था। करीब दोनों विद्यालय को मिलाकर 400 से भी ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। आपको बता दें कि बभनमरी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय चारों ओर जंगलों से घिरे अत्यंत आदिवासी बहुल क्षेत्र वाराणसी शक्तिनगर हाईवे से 8 किलोमीटर जंगल के इलाके में मौजूद है, जहां पर आदिवासी ग्रामीणों के बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा शुद्ध पानी के नाम पर खाना पूर्ति किया जा रहा है। ग्रामीणों व स्कूल के बच्चों तथा अध्यापकों से बात करने पर पता चला कि विद्यालय का हैंडपंप सालों से खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, जिसकी कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर घर से पानी लेकर स्कूल जाते हैं। उक्त हैंडपंप की खराब होने की सूचना प्राथमिक विद्यालय बभनमरी के प्रभारी अध्यापक द्वारा उपरोक्त अधिकारी व खंड विकास अधिकारी को कई बार दिया जा चुका है, लेकिन विद्यालय जंगल व आदिवासी क्षेत्र में होने के कारण सभी जिम्मेदार खाना पूर्ति कर किनारा कस लेते हैं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी हैंडपंप उसी दशा में 3 वर्षों से पाया गया है। प्राथमिक विद्यालय बभनमरी में देखा जाए तो काफी बड़े बड़े पानी पीने के टंकी हैं, हैंड वॉश आदि बना दिया गया है, किंतु पानी के सोर्स अर्थात हैंडपंप सालों से उसी बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। इस संबंध में प्रभारी प्रधानाध्यापक अतीक उल्लांखन ने बताया कि खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के बाद देखने आए थे, परंतु आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। अमन हो पानी के दिक्कत बा, पानी में बहुत कचरा बा, एकदम पानी जब भर देव ना तो एकदम लाल हो जाए, वो जैसे वो जाम जाला मोर्चा, हाँ दही जैसे एकदम वो पानी लाल हो जाला। ये कब से है? ये जब से गड़ा ला तब सले सही पानी भाई। तो इसकी शिकायत कहीं गई होगी ना? हाँ शिकायत हाँ, चल गई कई बार। तो बच्चे तो बीमार भी हो जाते होंगे पानी की वजह से? हाँ तो बीमार तो हो ही है भाई, कचरा बैठे ना हो बीमार हो ही जाए। बाकी तो सब लोग हमन नहीं पीला, दूसरा पानी हमन भाई है ये नहीं हाँ। बात के हर पी पानी की और कोई सुविधा इधर नजदीक में नहीं है? नहीं बा ये हर। क्या नाम है आपका? नाम रामदेव। कौन स्कूल में पढ़ते हो बेटा? कक्षा 6। कक्षा 6 में जी। पानी पीने की यही हैंडपाइप ही व्यवस्था है जी, और कुछ नहीं मिलता? गिलास मिलता है। गिलास मिलता है जी। तो अभी स्कूल में कितने बच्चे आए हैं तुम्हारे संग जी? अभी हम अकेले आए हैं। तेज बोलो जी। अभी अकेले हम आए हैं। अकेले आए हो जी? कितने बजे का स्कूल है? 8 बजे का जी। अभी तो बेटा 8:45 हो गया। विद्यालय है सर? प्राथमिक विद्यालय बभनमरी। तो यहाँ पानी की समस्या क्या है? पानी की समस्या 3 साल से भैया पाइप ख़राब है, और बड़ी मुसीबत से 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, और जब कभी पानी वो पाइप ख़राब हो जाता है 1 किलोमीटर दूर का, तो फिर 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इसकी सूचनाएं कहीं नहीं दी गई थी? BDO साहब को दे दिए साहब, BO साहब को दे दिए, जितने अधिकारी आए सबको दे दिए, और मेरे पास लिखित प्रमाण भी आप देख सकते हैं। और इसमें ग्राम प्रधान का कोई अधिकार नहीं आया? ग्राम प्रधान जी कहे थे कि लगवा देंगे, कायाकल्प विद्यालय आपका है, लेकिन सर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो यहाँ कायाकल्प भी तो नहीं हुआ है? नहीं कुछ नहीं सर। देखिए बच्चे अक्सर जो है बेचारे लग जाती, चोट पैर फट जाता है, सब पत्थर निकले हुए देखे। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 269। क्या नाम है आपका? रामा। क्या करते हैं रामा जी? खाना बनाते हैं, रसोइयाँ हैं स्कूल में। पानी की क्या समस्या है यहाँ? पानी की समस्या तो सर बहुत काफ़ी दिक्कत है। जैसे? दिक्कत ऐसा है कि एक हैंड पाइप यहाँ पे प्राइमरी में वो फंस गया है, उसकी पाइप आज 3-4 साल हो गया जो है कि उसको बिगड़ ले हुए हैं।